हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद जितेन में। तो आज हम जो हमारी यूपीपीसीएल में असिस्टेंट अकाउंट की जो वैकेंसी आई है उसके सिलेबस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, और मैं आपको जो अपना अकाउंट वाला पार्ट है, जो इनकम टैक्स वाला पार्ट है, मैं उसकी आपको प्रिपरेशन भी कराऊंगा। अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स करिए, तो मैं आगे अपनी एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट कंटिन्यू करूंगा। वैसे भी मैं ऑलरेडी इनकम टैक्स की 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अकाउंट के भी मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। मैं आपके लिए और ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा, आप प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी चयन की प्रक्रिया क्या होगी, हमारे असिस्टेंट अकाउंट की हमारा सिलेबस क्या होगा, तो हम जानेंगे सिलेबस के बारे में। सबसे पहले अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध की सूचना के आधार पर क्या होगा, आपका सीबीडीटी होगा, मतलब सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स आपका एक कंप्यूटर एग्जाम होगा। उसमें क्या होगा, उसमें जो पहला पेपर होगा उसमें प्रथम भाग में 50 प्रश्न, द्वितीय भाग में 150 प्रश्न होंगे। अब प्रथम भाग में क्या होगा, प्रथम भाग में लिखित परीक्षा में जो ओ लेवल का कंप्यूटर नॉलेज होता है, मतलब क्या होगा, कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे, 50 आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन का कितना अंक होगा, 1 अंक होगा। तो अधिकतम अंक कितने हो गए आपके, 50। अगर आप किसी क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं तो आपका 1/4, मतलब आपका 25% डिडक्ट कर लिया जाएगा, मतलब एक नंबर में से आपका 0.25 डिडक्ट हो जाएगा। अगर कंप्यूटर की प्रथम भाग की परीक्षा कम से कम 50% लाना अनिवार्य होगा, तो मतलब 50 मतलब आपको 25 नंबर लाना जरूर होगा, अनिवार्य होगा, अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी को हा मानते हुए लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, उसके द्वितीय भाग का जो पेपर होगा उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि आप अपने पहले प्रश्न पत्र में 50% मार्क्स से क्वालिफाई नहीं होते हैं तो। हमारा द्वितीय भाग की परीक्षा द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा का सिलेबस पाठ्यक्रम इस प्रकार होगा, जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी, दूसरा आर्थमेटिक, आर्थमेटिक मतलब जैसे कि मैथ रीजनिंग, और तीसरा हमारी अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स। कितना किस लेवल का आएगा, ये हमारा ग्रेजुएट स्टैंडर्ड का आएगा। तो सिलेबस ऑफ द अकाउंटेंसी और हमारी ऑडिटिंग और इनकम टैक्स का हमको डिटेल में सिलेबस बता दिया गया है कि हम अकाउंट में क्या पूछेंगे, हम इनकम टैक्स में क्या पूछेंगे, हम ऑडिट में पूछेंगे, तो हमें इसी सिलेबस को जानना है। मैं आपको कंप्यूटर प्लस आपको अकाउंटेंसी, इनकम टैक्स और ऑडिट का प्रिपरेशन में आपको डिटेल में करा दूंगा। हमारा एग्जाम दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने के चांस हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है हमारे पास, हमसे क्या पूछा जाएगा अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो ट्रेडिंग अकाउंट ये हम 11th की हमारी जो बुक में होता है या बीकॉम फर्स्ट की जो बुक में होता है, हमें डिटेल में पढ़ाया जाता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेस, और उसके बाद जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, ये सब क्या है, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर करते हैं वो हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। और उसके बाद हमारा जैसे हमें बिल ऑफ एक्सचेंज, जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, सेक्शनल बैलेंसिंग, कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के खर्चे क्या होते हैं ये हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। रिसीव्ड और पेमेंट क्या होती है, इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होती है, आपने 12th से पढ़ा होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है, पेमेंट रिसीव्ड और पेमेंट बनाती है, और इनकम और एक्सपेंडिचर बनाती है। हमारा डेप्रिसिएशन, ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी जब हम खरीदते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है। उसकी हमें अलग अलग मेथड पढ़ना पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड। उसके बाद हमारा रिजर्व एंड प्रोविजन, जो हम रिजर्व बनाते हैं या हम जो प्रोविजन बनाते हैं, जैसे हमने इनकम टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया। फिर हमारे ब्रांच और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, फिर जैसे कि डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम, हम डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम के बनेंगे, डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम कब आया। उसके बाद बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट और रेक्टिफिकेशन एरर, हमसे कोई इंट करने में अगर एरर हो जाता है तो हम उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे,
बैलेंस शीट का फॉर्मेट, हमें बैलेंस शीट के एक तरफ हमारे साथ रहती है एसेट्स, दूसरी तरफ हमारे होती है लाइबिलिटी, उसका हमें फॉर्मेट पूरा याद होना चाहिए, और किस कौन सी एसेट्स किस क्लासिफिकेशन में आती है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इतना सब हमारे क्या आएगा, अकाउंटेंसी में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो अगला है ऑडिटिंग, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि देखो ऑडिटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट, ऑडिट के क्या उद्देश्य है, ऑडिट क्यों करते हैं इसके बारे में, फिर वाउचिंग और वेरिफिकेशन ऑडिट में, फिर राइट और क्या ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, जो ऑडिटर होता है उसकी क्या लाइबिलिटी है, उसकी क्या ड्यूटी है। फिर हमारा जो इनकम टैक्स का सिलेबस है, मैं इसको भी आपको डिटेल में करवा दूंगा, इनकम टैक्स क्या होता है ना, और प्रोविजन ऑफ द पर्टनिंग इनकम टैक्स, हम इनकम टैक्स में क्या प्रोविजन दिए हैं उसको हम पता होना चाहिए, इनकम फ्रॉम सैलरी और प्रोविजन रिलेटेड टू चैप्टर 6 के डिडक्शन, जैसे कि 80C का डिडक्शन, 80CCC का, 80D का, 80U का, ये सब क्या है हमारे चैप्टर 6 के डिडक्शन आते हैं। ये हमें इनकम टैक्स में हमारी इनकम के ऊपर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमें इस पे मिलते हैं। फिर हमें जानेंगे प्रोविजन ऑफ द TDS है ना, और TDS के फॉर्म टू बी फिल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, हमें किन चीजों पर TDS कटता है, जैसे सैलरी वाले का 192 में कटता है, तो जैसे कि आप कॉन्ट्रेक्ट वाले तो 194C में कटता है, और आपको TDS के लिए कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और यदि आप TDS फॉर्म नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी, कितना इंटरेस्ट लगेगा, ये सब डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज मुझे वीडियो का कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको इनकम टैक्स अकाउंट्स और ऑडिट की डिटेल में वो भी फ्री मैं आपकी प्रोफेशन करा दूंगा। इसमें क्या है, प्रत्येक एक अंक का होगा और परीक्षा अधिकतम 150 अंकों की होगी, और यदि आप रॉन्ग देते हैं तो आपको 1/4 की क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी। कंप्यूटर के प्रथम प्रश्न में अर्जित अंक क्या करेंगे, मेरिट निर्धारित तो नहीं जोड़े जाएंगे, मतलब कंप्यूटर में जो आप सिर्फ को क्वालिफाई मार्क्स के लिए रखा गया है, जब मेरिट बनेगी तो जो प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र के जो जो नंबर होंगे वो मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। इसका मतलब आपका सेकेंड पेपर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ही आपको हाइएस्ट मार्क लाना है। सिर्फ कंप्यूटर में अगर आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे तो आपकी बस क्वालिफाई करना है आपको कंप्यूटर में 50% से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मैंने ऑलरेडी इनकम टैक्स के और अकाउंट की MCQ स्टार्ट कर दी है। थैंक यू वेरी मच।